एक छोटा सा चूहा था और एक ऋषि के आश्रम में रहता था। ज्यादा परेशान किसी को नहीं करता था, तो ऋषि महर्षि का उसके साथ बड़ा अच्छा लगाव हो गया था चूहे का। ऋषि महर्षि कहीं भी जाते थे आते थे तो कुछ ना कुछ उसको खाने पीने को दे देते थे। एक बार महर्षि ने देखा कि एक बिल्ली उस चूहे के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बिल्ली पीछा पीछा लगा हुआ है तो महर्षि ने सोचा बेचारा चूहा परेशान है। उन्होंने उस चूहे को कुत्ता बना दिया। क्या बना दिया? ऐसे मंत्र फेंका, गिली गिली छू, और चूहा क्या बन गया? कुत्ता बन गया। अब जैसे कुत्ता बना पलट के देखा बिल्ली की तरफ तो बिल्ली भागी वहां से। बड़ा प्यारा कुत्ता एकदम वफादार, दिन रात दुम हिलाते रहता था, बैठे रहता था, खाना जो महर्षि देते थे वो खाते रहता था। एक बार एक शेर आ गया। क्या आया? शेर आया और वो पीछा करना शुरू किया कुत्ते का। महर्षि ने सोचा कि यार बेचारा कुत्ता देखो परेशान है। उन्होंने तुरंत मंत्र फूका और उसको भी और ताकतवर शेर बना दिया, सवा शेर बना दिया। अब जैसे उछला उधर से शेर बना, पलट के जब दहाड़ मारा तो जंगल का शेर था बिल्कुल थर्रा गया। लेकिन बड़ा वफादार शेर, क्योंकि बना तो था चूहे से शेर, बड़ा वफादार शेर था ये। जब भी कोई बात ऋषि जी बोलते वो करता, शिकार नहीं करता था, जो कुछ मिल जाता खा लेता था, बड़ा वफादार शेर। तो अगल बगल के जो आश्रम के लोग थे उसको हमेशा पुचकारने लगे कुत्ते जैसा, और कहीं जाता था लोग कहानी बनाते, देख के हंस देते कि ये देखो ये चूहा था महर्षि की कृपा से शेर बन गया है। कई लोग ऐसे बोलते कि देखो बेचारा कुत्ता था शेर दौड़ाया तो महर्षि इसको शेर बना दिया। तो उसने सोचा कि भाई जब तक महर्षि जिंदा रहेगा तब तक लोग ऐसे ऐसी अफवाहें तो उड़ाते रहेंगे, और कभी भी अगर उनका मूड बदला तो मुझे फिर से चेंज कर सकता है। तो उसने, उसको लगा कि यार बड़ाई हमारी तो हो ही नहीं रही कि मैं शेर हूं, मैं इतना खतरनाक हूं, बड़ाई किसकी हो रही है? महर्षि की हो रही है बार बार। भाई हर समय कोई भी बोलता है यार देखो महर्षि ने बेचारे को शेर बना दिया, मतलब शेर को भी बेचारा बोला जाए। उसने बोला इस जड़ को ही खत्म करना पड़ेगा, महर्षि का काम कर दो खलास। और जब महर्षि को मार देंगे तो नाम होगा कि भाई देख महर्षि को मार के शेर बना है। आया ना? तो वो दबे पांव महर्षि बैठे हुए थे, उसकी तरफ देखा और जैसी नजदीक जाके झपट्टा मारा तो भाई बाप तो बाप होता है। महर्षि आ रहे थे वैसी उसकी नियत पता चल गई। उन्होंने दो बार मंत्र घुमाया और फिर से तो उछला तो शेर बन के टप से गिरता है, चूहा बन के चूचू करना शुरू कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो कम से कम जिस इंसान ने हमें ऊपर ले जाने में, हमें आगे बढ़ाने में हमारी 1% भी मदद करी है, कुछ भी हो जाए उस इंसान का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। कई लोग कृतज्ञ बन जाते हैं जब बिजनेस डेवलप हो रहा होता है। कौन किस तरीके से आपको सपोर्ट किया है नहीं, ये शायद आपको दिखाई दे सकता है, या सक्सेस की उमंग में आप ये बात भूल भी जाते हैं कि किसने मेरी क्या हेल्प की थी। और कई लोग अपने अपलाइनों की बुराई करने लगते हैं, कई लोग जो सीनियर उनको आगे बढ़ाया था उसके बारे में ऐसा बोलने लगते हैं कि सर आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं सब कुछ हूं। अरे सोच के देखो, जब तू इस इंडस्ट्री में नहीं आया था तो वही अपलाइन था जो आपके घर गया था और आपको विश्वास दिलाया था कि दोस्त तू भी लाखों रुपए कमा सकता है। आप 20,000 रुपए की इनकम ले रहे होते हैं, या कोई 15,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई फौज से रिटायर होके कहीं पे बैठा हुआ था, ऐसे समय पे एक अपलाइन ही तो था जिसने आपको भरोसा और विश्वास दिलाया था कि दोस्त तेरी जिंदगी बदल सकती है, तेरी लाइफ में बदलाव आ सकता है, तू भी अपने बीवी बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता है। और हमने उस समय उसकी नहीं सुनी थी, हम निगेटिव थे, तब कहां गया थी आपकी बड़प्पन? सोचो कहां गई थी हमारी बड़प्पन, उस समय हम कहां थे?
जब बोला डीडी का पैसा दे दे और हम बहाना बना रहे थे, लेकिन वो बेचारा फिर भी आपके पीछे लगा रहा तब तक जब तक आपने पैसे नहीं दे दिया, तब आपकी काबिलियत कहां थी? आपको प्लान देने नहीं आता था, उस बंदे ने आपको प्लान देना सिखाया। खुद बाइक पे बैठता है, आगे सामने से गाड़ी चलाता है, आपको पीछे बैठाता है, एक एक प्लान आपके साथ देने जाता है, आपका पहला चेक रिलीज कराता है ब्रांच डायरेक्टर का, तब आप कहां थे? तब हमारी काबिलियत कहां थी? और धीरे धीरे करके जब हम बिजनेस सीखना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करके जब हमारा बिजनेस डेवलप होना शुरू करता है, हम लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं, तब हमारी ईगो आती है और तब हमें समझ में आता है कि मेरे अप्लाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उससे पहले कहां थे? समझ में आ रहा है दोस्तों? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जिंदगी में कभी इस एहसास को भूल जाते होंगे और कई गलतियां कर जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है हमारी, इस एहसास को कभी मत भूलना, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, टेढ़ा है पर मेरा है। चाहे कैसा भी हो, जिस इंसान ने आपको बनाया है ना, वो इंसान जिंदगी में कभी आपका विध्वंस नहीं कर सकता, बाकी दूसरे सब आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको तैयार किया है, जिसने आपके साथ ग्राउंड में काम किया है, जो आपके साथ भाग रहा है, जो आपके लिए दिन रात खर्चा करता है, अगर आपका दुनिया में कोई भला कर सकता है, वही इंसान कर सकता है, और वो जस्ट आपका अपलाइन होता है। देखो, लड़ाई झगड़ा तो सब होते रहता है, बुरी बात लगनी, किसी की बात को काटना, ये सारी चीजें तो हमेशा चलती रहती है मेरे दोस्त, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलते रहता है। लेकिन जिंदगी में कभी भी उस इंसान के लिए प्रति एहसान फरामोश मत बन जाना जिसने आपको डेवलप करने में रत्ती भर का रोल दिया है। आप इस बिजनेस में काम करो या मत करो, आप एसलीपीएस में रहो या मत रहो, लेकिन जिंदगी भर जहां भी जाओ उस इंसान का नाम जरूर याद रखते रहना जिसने आपकी डेवलपमेंट में, आपको आगे बढ़ाने में रोल अदा किया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमेशा ग्रोथ करते रहोगे, ये एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी है। इसी से आपके अंदर आध्यात्मिक भावना आती है। मैं हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीडर बनने से पहले, अचीवर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि लोग लीडरों के साथ नहीं, अच्छे इंसान के साथ जल्दी जुड़ना पसंद करते हैं। लोग पैसे के साथ कनेक्ट नहीं होते, लोग इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं। याद कीजिए, जब आपके पास कुछ नहीं था, आपकी टेस्टिमनी जीरो थी, उस समय भी आप किसी बंदे को प्लान देने गए थे, लोगों ने उस समय भी आपका साथ दिया था, उस समय क्या थी आपके पास? आपकी अच्छी बातें, इंसानियत ही तो थी जिसपे भरोसा किया था किसी ने। आज पैसा आ गया, आज ऑडी आ गया, आज मर्सिडीज आ गया, आज बीएमडब्ल्यू आ गया, लाखों रुपए महीने की इनकम है, आज की बात छोड़ो। इसलिए मैं उन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं जो लोग शुरुआती दौर में मेरा साथ दिए थे, क्योंकि वो लोग मेरी सफलता को देख के नहीं, मुझे देख के आए थे। जो लोग आपके पैसे देख के आपके पीछे आएंगे, जब पैसे नहीं रहेंगे छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन जो लोग आपसे दिल से कनेक्टेड होंगे, वो लोग जिंदगी में कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला।